हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी के बारे में। जब से COVID-19 बीमारी स्टार्ट हुई है, आपने बहुत बार ये सुना होगा कि चेस सिटी में GGO देखने को मिल रहा है। GGO यानी कि ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी। तो बेसिकली ये क्या होती है और क्या ये सिर्फ आपको COVID-19 बीमारी में ही देखने को मिलती है, उसके बारे में आज की वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं GGO, ये बेसिकली एक तरीके का पैटर्न है और पैचेस है जो कि हमें चेस्ट सीटी के अंदर और एक्सरे में देखने को मिलते हैं। जब हम नॉर्मल लंग्स को हमारे एक्सरे में या चेस्ट सीटी में देखते हैं तो वो हमें ब्लैकिश रूप में नज़र आते हैं जब वो नॉर्मल होते हैं। पर उस एल्वियोलर एयर स्पेसेस में अगर कोई फ्लूड भर जाए या वो एयर स्पेस फाइब्रोज्ड हो जाए तो वहाँ पर आपको ग्रेइश कलर के पैचेस नज़र आएंगे। उसी पैचेस को हम बोलते हैं ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी। तो जब हम एक्सरे में देखते हैं तो हम ये टर्म यूज़ करते हैं कि हेजीनेस बढ़ गया है, हेजीनेस ज़्यादा हो गया है। और सेम यही चीज़ जब हम चेस्ट सीटी के अंदर देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि इंक्रीज्ड एटीन्यूएशन हो गया है, मतलब उस एयर स्पेस की डेंसिटी बढ़ गई है, मतलब वहाँ पर कोई फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है। दोस्तों, GGO सिर्फ COVID-19 तक सीमित नहीं है, ये आपको देखने को मिलता है क्रॉनिक हार्ट फेलियर के अंदर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर आपको देखने को मिलता है, साथ ही इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस के अंदर देखने को मिलता है, और आपको वायरल निमोनिया के केसेस में भी ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी देखने को मिलती है। दोस्तों, वायरल निमोनिया, जो कि मोस्ट कॉमनली वायरल निमोनिया जो होता है वो तीन वायरसेस की वजह से होता है। एक होता है रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस, जिसको हम नाम देते हैं RSV, दूसरा होता है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, और तीसरा होता है कोरोना वायरस। इसीलिए कोरोना वायरस के कई केसेस के अंदर आपको ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी देखने को मिल रही है। रेडियोलॉजी की एक स्टडी के मुताबिक, जो जर्नल ऑफ रेडियोलॉजी में एक स्टडी हुई है, उसके मुताबिक हर पेशेंट के अंदर जो COVID-19 से संक्रमित हैं उनके अंदर आपको GGO देखने को नहीं मिलता। जो पेशेंट COVID-19 से संक्रमित है और उनको वायरल निमोनिया हुआ है, उन्हीं केसेस के अंदर आपको चेस्ट सीटी के अंदर ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपने अभी देखा होगा, न्यूज़ आ रही है कि कई बार लोग अभी चेस्ट सीटी के लिए भाग रहे हैं। देखिए, चेस्ट सीटी का फ़ायदा तब तक नहीं है जब तक आपको वायरल निमोनिया हुआ हो। देखिए, हर पेशेंट जो COVID-19 से संक्रमित होता है उसको वायरल निमोनिया नहीं होता, तो उस केसेस में आपका चेस्ट सीटी कराना बेकार है। इसीलिए डॉक्टर्स आपको बार बार ये कह रहे हैं कि जब तक ज़रूरत ना हो आप अपने मन से टेस्ट ना करवाइए, चेस्ट सीटी मत करवाइए। जो पेशेंट COVID-19 से संक्रमित है और उनको अगर वायरल निमोनिया है, उसी केसेस के अंदर चेस्ट सीटी ज़रूरी होता है। देखिए, चेस्ट सीटी के अंदर हार्मफुल रेज होती हैं जो कि आपको कैंसर कॉज कर सकती है, इसलिए चेस्ट सीटी करवाना हानिकारक हो सकता है अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के चेस्ट सीटी करवा रहे हैं। दोस्तों, रेडियोलॉजी, जो जर्नल ऑफ रेडियोलॉजी की एक स्टडी के मुताबिक चाइना के अंदर 51% पेशेंट जो कि COVID-19 से संक्रमित थे और उनको COVID-19 रिलेटेड निमोनिया था, उनके चेस्ट सीटी को देखा गया तो ये पाया गया कि 77% केसेस के अंदर ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी देखने को मिली है। तो दोस्तों, 77% पेशेंट के अंदर ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी देखने को मिली है। और ये माना जाता है कि जिन लोगों को COVID-19 रिलेटेड निमोनिया होता है, उन केसेस के अंदर 97% CT हेल्पफुल होता है, जो कि आपको पता लगा सकता है कि आपको COVID-19 रिलेटेड निमोनिया है या नहीं है। इसलिए जब भी आप चेस्ट सीटी करवाने जा रहे हैं, अपने चेस्ट फिजिशियन की सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी और आपके चेस्ट सीटी जब आपकी करवाई जाएगी तो आपको पता चलेगा कि आपको COVID-19 रिलेटेड निमोनिया है या नहीं है, तो उसी केस में आप चेस्ट सीटी करवाएं। तो अपने डॉक्टर की सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे डिफ्यूज्ड ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी, नोड्यूलर ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी, मोज़ेक ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी, साथ ही क्रेजी पेविंग टाइप ऑफ ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी और हेलो साइन ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी। तो दोस्तों, इस तरीके से ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसकी मदद से आपको चेस्ट सीटी के अंदर वायरल निमोनिया का पता लगाने में कितनी हद तक आपका निमोनिया फैला है,
वो आपको पता लगाने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बेसिकली हमने बताया कि ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी क्या होती है और क्यों आपको चेस्ट सीटी अपने डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही करवाना चाहिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।